और हम भारतीयों को हमेशा से ही वोट के नाम पे धोखा दिया गया है, वोट के नाम पर राजनीति की गई है। तो अब ये आने वाले इलेक्शन के लिए भी ये फिल्म एक सपोर्ट करेगी, प्रचार करेगी जनता की तरफ से कि लास्ट वोट कितना कीमती है, और ये फिल्म उसी को शायद उजागर करेगी। फिल्म टाइटल से सजेस्ट करती है कि राजनीति पे आधारित होगी और राजनीति पे हल्के फुल्के कमेंट्स होंगे, और ये फिल्म जैसे कि राजनीति का सब्जेक्ट आजकल हर किसी को पसंद आता है तो जनता को भी बहुत पसंद आएगा, लेकिन जनता के मत का, जनता के विचारों का ध्यान रखते हुए फिल्म को बनाया गया, सोचा गया, जिसका नाम है द लास्ट वोट। सुनील जी, 12-12 बॉडीगार्ड आपके पीछे, क्या बात है? मैं कोबरा को से फंसा हुआ हूँ तो कोई भी कोबरा मुझे काट ना दे, इसलिए मैंने अपने खास बॉडीगार्ड रखे हैं जो मेरे बॉडी को गार्ड करेंगे। ऐसा लगता है जैसे ये महागठबंधन हुआ है, महागठबंधन में जितने आपस में जो लोग हैं सब यही बोल रहे हैं, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। बोले कब? जब मोदी जाएगा। और मोदी वहाँ कह रहे हैं तो नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेके जाएगा, ना मोदी जाएगा ना तेरा टाइम आएगा। मैं राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन जो सही और सच्चा नेता हो वही आ जाए। हालांकि सच्चे नेता को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो जनता का भला और जनता जिसमें अपना भविष्य देखती हो, इसलिए तो कहता हूँ द लास्ट वोट कीमती वोट है। आपका वोट जो है एक वोट, उसे ही द लास्ट वोट समझिए, और समझ बूझ कर दीजिए। किसी पार्टी का, किसी धर्म का, किसी रिश्तेदार का, किसी उसके इमोशन में मत जाइए। देश सबसे पहले है, देश सबसे ऊपर है। जय हिंद। Last word, when Sameer Bhai gave me narration for the last word, it really excited me, because sirf India mein nahi, bilkul political and politician, these kind of things happening all around the world, and that's why I was very happy to see that how they're making this film, and how this is going to be picturizing in the India, and they try to film out of India as well. So I'm so happy and so excited to be part of this film. Let us go, sir.